दशहरा की पूर्व संध्या पर कांग्रेस नेतागणों ने राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के वेस्ट गोरख पार्क इलाके में गैर कानूनी सीलिंग के लिए जिम्मेदार भाजपा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेतागणों ने प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल का पुतला दहन और प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन भारी संख्या में पुलिस, सीआरपीएफ व अन्य बलों के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद थे, जिसके चलते पुलिस ने पुतले अपने कब्जे में लेकर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। पुतले कहाँ गए सर? पुतले कहाँ गए? पुतले पुलिस ने जब्त कर लिए। 40 फुट का पुतला जो उसका दहन यहाँ होना था, लेकिन पुलिस ने सिकंदपुरी गाड़ी रोक के उसको जब्त कर लिया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हजारों की संख्या में आदरणीय आर्य माकन जी के नेतृत्व में, शर्मा जी और प्रसन्न शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए और जोरदार विरोध प्रकट किया बीजेपी ने। नहीं, ऐसा तो नहीं, माखन जी ने जो है मोदी जी को रावण कहा था, इसलिए पुतला दहन कर रहे हैं और इसलिए पुलिस ने जब्त किया है। अगर रावण कहा तो स्पष्ट बात है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी, आज जो इनका स्वरूप पब्लिक देख रही है वो रावण का ही है। आज धूप पर अच्छाई की जीत के लिए इनका पुतला दहन कर रहे था। अगर रावण मोदी जी को कह रहे हैं तो अच्छी बात है, ये सच बात है, क्योंकि मोदी जी रावण के स्वरूप में काम कर रहे हैं और दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान को उजाड़ के देखते हैं। न्याय युद्ध जो कि दिल्ली में चल रहा है, उसको आगे हम उदास नगर विधानसभा शांतिपूर्वक हम लोग न्याय युद्ध चला रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जो दोनों सरकार जो मोदी की सरकारें हैं, किस तरह से आज ये दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे आज त्यौहार मनाने के लिए और क्षेत्र की सारी जनता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोग बड़े शांतिपूर्वक दिल्ली के दिल्ली सरकार के मंत्री और सांसदों का पुतला दहन यहाँ पर करने के लिए आए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें यहाँ पे किया है और आज सारी जनता को, सारी पब्लिक को यहाँ पर मौका जा रहा है। जगह जगह इन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं और हमारा जो पुतला था उसको भी इन्होंने जब्त कर लिया है। इतनी फोर्स पहली बार देखी है इस तरीके के प्रदर्शन में? इतनी फोर्स पहली बार देखी है? हाँ, ये देखो क्या है, आज कांग्रेस पार्टी के साथ जनता दिन पर दिन जुटती जा रही है। पहले दिन 100 लोग, फिर 500 लोग, आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज इसीलिए इतनी ज्यादा फोर्स लेकर ये लोग आए हैं और इतने घबराए हुए हैं मोदी जी कि आज कांग्रेस पार्टी से उन्हें लग रहा है कि 2019 में आने वाले नहीं है। तो आज इस तरह की हरकतों में वो लोग उतरे हैं। बहुत गंदी राजनीति आज बीजेपी कर रही है, लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली की जनता के लिए और देश की जनता के लिए जेल जाने को तैयार हैं। यहाँ पर होने नहीं दिया गया। मोदी सरकार ने इस तरह से फोर्स यहाँ पर लाठी खड़ी कर दी है, जैसे कि हम लोग सब चोर हैं और हम लोग चोरी करने जा रहे हैं। तो आज ये बताइए, हम भारत देश के वासी हैं, यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा जनता बड़ी होती है, जनता की आवाज हम लोग कहाँ जाके उठाएंगे? मोदी जी ये तो बताया कि ऐसा स्टैंड, ऐसा माध्यम जहाँ से हम जनता की आवाज को मदद पहुँचाए। जिस तरीके की आपने मैसेज दिया था, मैसेज छोड़ा था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था कि पुतला दहन होगा केजरीवाल और मोदी जी का, आखिरकार पुतले गए कहाँ? लेकिन पुतला दहन का भी प्रोग्राम था। हम लोग आज महंगाई के खिलाफ, गैर कानूनी सीलिंग के खिलाफ और जो भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है उसके खिलाफ यहाँ पुतला दहन का प्रोग्राम था और हमारे पुतले भी जब्त कर लिए गए। हमारे लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा, हमारे लोगों के साथ लाठी चार्ज की जा रही है। ये किस तरह का न्याय मोदी जी कर रहे हैं? आज देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या देश मतलब लोगों को याद नहीं है? क्या वो नहीं देखता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? आप लोगों ने रोजगार देने की बात कर दी थी, रोजगार दे नहीं रहे और बदले में आपने हमारे रोजगार छीन लिए। आज जनता त्रस्त हो रही है, वो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहती है, कांग्रेस के
साथ आना चाहती। आज देखिए यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे लोग आए हैं, हजारों की जनसंख्या में बाहर लोग खड़े हुए हैं, और आज जब इतना जनसमूह कांग्रेस के साथ है तो मोदी सरकार है वो बखला रही है, और इस तरह का आदेश पारित कर दिया गया कि यहाँ पे ना पुतला दहन किया जाएगा ना ही कोई प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोकतंत्र में सिर्फ इस तरह की बनवाने उनकी चर्चा हमें नहीं होने देंगे, आज बताना चाहिए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ अन्य दलों के जवान मौजूद हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी और केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वो ये मोदी की तानाशाही है, अगर इन्होंने काम ही करना होता, अगर ये सही काम करते तो कौन इनका पुतला फूंकता। केजरीवाल सरकार घूम घूम करने के लिए छोड़ी हुई है, कोई क्षेत्र में विकास नहीं है, काम धंधे सबके बंद पड़े हैं, ये तो तानाशाही चल रही है, तरीके जबरदस्ती है। जैसे भी कोई घेरना घेर लो, अगर इन्हें गाली खाने का शौक है काम क्यों नहीं करते, काम नहीं कर रही है कुछ। अच्छा, किन मुद्दों के लेके न्याय युद्ध छेड़ा? न्याय युद्ध एक तो महंगाई के खिलाफ है, दूसरा सीलिंग के खिलाफ है। अवैध कौन सी सीलिंग है? इसका लाइसेंस बना हुआ, ट्रेड लाइसेंस उन्होंने लिया हुआ है, इनकम टैक्स वो जमा टाइम पर करते हैं, उनकी सीलिंग क्यों कर रही है? अगर सीलिंग कर रही है, रोड की सफाई करनी तो रोड साफ करो ना, रोड की तरफ जाते कोई भी इसके जिसके 15-15, 25-25 साल सारे केस है, 25-25 साल से 30-30 साल से लाइसेंस ट्रेडिंग लाइसेंस बने हुए हैं, उनकी भी सीलिंग लगातार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सीलिंग के मुद्दे पर बोलते हुए अजय माखन ने कहा कि बीजेपी सीलिंग पर लगाम लगाने पर नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। वहीं जब मीडिया ने अजय माखन से पूछा कि आप मोदी जी को रावण की उपाधि क्यों दे रहे हैं, तो क्या कहना था उनका सुनाते हैं आपको भी। हमने यहाँ पर हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता अगली बार और तेजी से यहीं पर इसी जगह के ऊपर हम लोग फिर से पुतला जलाएंगे, और फिर तब हम देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पे हमें रोकेगी। पुतला कहाँ गए सर? पुतला कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं मॉनिटरिंग कमेटी के खिलाफ, उन्होंने आंदोलन किया। बीजेपी क्यों गई है? मनोज तिवारी क्यों गए? सरकारें क्यों नहीं जा रही हैं? हमारे समय के ऊपर रूलिंग पार्टी को जरूरत नहीं पड़ती थी सीलिंग तोड़े, हमारे समय के ऊपर रूलिंग पार्टी कोर्ट में जाकर के सरकारें कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ती है, और ये सरकारें पूरी तरीके से विफल हो गई है। क्यों नहीं ये कोर्ट में सरकारें जाकर के कहती है कि जनता के साथ में गलत हो रहा है? जब सरकारें नहीं कहेगी तो कौन इस चीज को कहेगा जाकर के, हमारा बड़ा सीधा प्रश्न है। और इसीलिए हम लोगों ने जब अपने समय पे जो सरकारें कर सकती हैं वो तो कर नहीं रही, वो कर जब सरकारें नहीं कर रही तो विपक्ष पार्टी को भी किस तरीके से उनका गला क्यों घोटा जा रहा है, आज हम लोगों का ये प्रश्न। बीजेपी सवाल उठा रही है कि पीएम है उनको आप रावण बता रहे हैं और खुद को राम बता रहे हैं। देखिए, जब पीएम या सीएम रावण जैसा काम करेंगे तो रावण स्वरूप का पुतला तो जला ही जाएगा। सीलिंग जो कर रहा है, जो गैर कानूनी सीलिंग कर रहा है, वो रावण से जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रावण की उपाधि दी। बहरहाल कांग्रेस के इस प्रदर्शन को पुलिस व अन्य बलों ने विफल कर दिया, लेकिन नेतागणों ने प्रदर्शन इसी जगह पर दोबारा करने की बात भी कही। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।